और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरा तहसील की। और सबसे पहले नजर डालेंगे जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के सिरोली ग्राम पंचायत ने स्वच्छता अभियान के तहत बीडीओ ज्योति प्रजापत ने कचरा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कचरा वाहन गांव और ढाणियों में घर घर जाकर कचरा संग्रहण करेगा। सरपंच ने गांव को स्वच्छ रखने के लिए ग्रामीणों से अपील की। पावटा के भांकरी गांव पहुंचे हरियाणा सरकार के सामाजिक न्याय एवं सैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव। प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा का आशीर्वाद और मार्गदर्शन लेने पहुंचे ओम प्रकाश यादव। ग्रामीणों ने मंत्री का साफा और माला पहनाकर किया स्वागत। सांभर के राजकीय कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। विभिन्न विषयों के सहायक प्राचार्य को लगाने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। कहा है छात्राओं की पढ़ाई में हो रहा है भारी नुकसान। कठुमर के टाइगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भजन चिकड़ी दंगल हुआ आयोजित। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा के मुख्य आतिथ्य में विधायक रमेश खींची की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। नगर पालिका की ओर से मंत्री झावर सिंह खर्रा और विधायक रमेश खींची का किया गया स्वागत। अलवर लोकसभा से भूपेंद्र यादव को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली पहुंचकर भूपेंद्र यादव से शिष्टाचार भेंट की और उन्हें शुभकामनाओं के साथ बधाई दी। किशनगढ़वास मंडल महामंत्री मनोज मित्तल ने जानकारी दी। जयपुर के हरमाड़ा में मसाला गोदाम में लगी भीषण आग। चार मजदूर झुलसे। सभी मजदूरों को जयपुर एसएमएस रेफर किया गया है। करीब आधा दर्जन दमकलों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। दौसा के कट्टी मरियाड़ा में दो युवक चढ़े मोबाइल टावर पर। समास गांव में शमशान घाट और स्कूल खेल मैदान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग मानपुर सीओ दीपक कुमार की समझाइश के बाद नीचे उतरे युवक। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। हरियाणा पंचायत समिति सभागार में बैठक हुई। आयोजित बैठक में सरकारी योजनाओं की 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर किया गया मंथन। सभी ग्राम अधिकारियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। शेरगढ़ के शहीद दमाराम जाखड़ स्मारक का चाबा गांव में मनाया जाएगा शहादत दिवस। शहीद दमाराम जाखड़ 5 मार्च 2000 को दुश्मनों से लोहा लेते हुए कारगिल युद्ध में हुए थे शहीद। शेरगढ़ सहित आसपास क्षेत्रों में कई वरिष्ठ गणमान्य लोग शहादत दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। जैसलमेर में 11 मार्च को सर्व जातीय सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन सेवा भारतीय संगठन की ओर से किया जाएगा। मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में सम्मेलन का आयोजन होगा। शिरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौर ने उरण भूमि को डीम्ड वन क्षेत्र से मुक्त कराने को लेकर पत्र लिखा है। प्रधान मुख्य वन संरक्षण कार्य योजना आयोजना और वन बंदोबस्त विभाग को लिखा पत्र। जैसलमेर के भड़ियाणा में विद्युत विभाग की बड़ी कार्रवाई। 150 से अधिक बकाया विद्युत बिल के घरों के काटे कनेक्शन। विद्युत विभाग के एक्शन के बाद बिल बकायादारों में मचा हड़कंप। डिस्कॉम मुख्यालय जोधपुर के उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई। और चलिए अब नजर डालेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बाली के सेंसली गांव में 24 वर्षीय युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। आत्महत्या के कारणों का हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। पाली के बरावा गांव में सांसद मदन राठौर ने पर्यावरण महोत्सव और नमो ऐप सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद राठौर ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लोगों से अपील की। वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण पर पेड़ पौधे लगाने का भी आह्वान किया। सिरोही में गौशाला प्रबंधन की लापरवाही आ रही है सामने। गोवंश का सम्मान अंतिम संस्कार नहीं करके खुले में फेंका जा रहा है शव। गौशाला के पीछे ही बना दिया है कब्रिस्तान। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्री विजयनगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के चुनाव नगर पालिका में संपन्न हुए। अध्यक्ष पद के लिए सतपाल और सुल्तान के बीच मुकाबला हुआ। 17 मतों से सतपाल को विजयी घोषित किया गया है। पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव और मतगणना संपन्न हुई। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों पर। ब्यावर के शंखेश्वर महादेव मंदिर में 3 दिवसीय शिव परिवार की धूमधाम से मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा की गई।
खेश्वर कॉलोनी, बालाजी नगर और निर्मल विहार कॉलोनी के सदस्यों की ओर से आयोजन हुआ यज्ञ हवन में पंडित विकास शर्मा और उनके साथ पंडितों ने मंत्रोच्चारण के साथ में आहुतियां दिलवाई। गिड़वाने में ओलावृष्टि के बाद पूर्व विधायक चेतन डूड़ी ने किया गांव का दौरा। ओलावृष्टि से प्रभावित खेतों का जायजा लेकर किसानों से मुलाकात की। किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया और कहा कि सरकार से करेंगे किसानों के मुआवजे की मांग। लाडनू में पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा ने यातायात नियमों का पालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं। पुलिस ने स्थानीय करंटा बालाजी चौराहे पर नाकाबंदी की। दोपहिया वाहनों के चालकों को हेलमेट पहनने के लिए पाबंद किया गया। नाकाबंदी के दौरान बिना नंबर दौड़ रहे वाहनों को रोककर मौके पर ही नंबर लिखवाए गए। यातायात नियमों की पालना को लेकर सख्त निर्देश दिए गए। थानाधिकारी विष्णु ने जानकारी दी। ब्यावर में नगर परिषद सभागार में आमजन को जागरूक करने के लिए जागरूकता बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर, सीआई मीरा बेनीवाल, दीनदयाल वैष्णव सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। बड़ी संख्या में नगर परिषद कर्मचारी और आमजन भी बैठक में शामिल हुए। बैठक में सीआई दीनदयाल वैष्णव ने आमजन को जागरूक किया। किसी भी न्यायोचित कार्य के लिए रिश्वत नहीं देने और किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा रिश्वत मांगने पर एसीबी को सूचना देने के लिए जागरूक किया। सीआई वैष्णव ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। परिवार और परिषद को किसी भी जायज काम के बदले रिश्वत नहीं देने के लिए जागरूक किया। वहीं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर ने मांगे कोई रिश्वत तो कॉल करे पोस्टर का भी विमोचन किया। मुंडवा के करणी हॉस्पिटल में 10 दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 9 दिन तक क्षेत्र के 1,105 मरीजों का उपचार हुआ। 380 महिलाओं और 725 पुरुषों को शिविर का लाभ मिला। डॉक्टर गजेंद्र चारण ने जानकारी दी। अजमेर के विजयनगर में सीपी जोशी और झावर सिंह खर्रा का स्वागत किया गया। जयपुर से चित्तौड़ जाते समय विजयनगर 27 मील पर विधायक वीरेंद्र सिंह कानवर सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सीपी जोशी ने कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव के मिशन 400 को सफल बनाने के लिए आह्वान किया। कुचामन सिटी एसडीएम हुक्मी चंदा रोहलानिया ने पदभार ग्रहण कर लिया है। तहसीलदार महेंद्र मूड सहित सभी कार्मिकों ने एसडीएम हुक्मी चंदा रोहलानिया का स्वागत और अभिनंदन किया। एसडीएम ने कहा कि सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं से आमजन को लाभान्वित करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। टोंक में सड़क किनारे संदिग्ध अवस्था में युवक की मौत। परिजनों ने अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट की जताई संभावना। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और चलिए अब रुख करेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों का। 12 में विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर मतदाता जागृति के उद्देश्य से कन्या छात्रावास में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पोस्टर और निबंध के माध्यम से मतदाता जागरूकता को संदेश दिया गया। विद्यार्थियों ने अपना मतदाता सूची में पंजीयन करने और मतदान करने की अपील की। झालावाड़ की पड़ावा तहसील के पीपलिया गांव के पास वन विभाग की भूमि पर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की चपेट में आए पेड़ पौधे। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झालावाड़ की पड़ावा नगर पालिका में मतदाताओं के लिए ईवीएम जागरूकता एवं प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रशिक्षण गणेश जाट द्वारा मतदाताओं को वीवीपैट बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। झालावाड़ की पड़ावा में छात्रावास निर्माण के लिए भूमि आवंटन की मांग अखिल भारतीय प्रजापति कुमकार महासंघ के सदस्यों ने एसडीएम रामनिवास मीणा को सौंपा ज्ञापन। जिलाध्यक्ष मोहन लाल की अगुवाई में सीएम व पीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। झालावाड़ की मनोहर थाना पुलिस की कार्रवाई। 10 वर्षों से फरार मध्य प्रदेश निवासी स्थायी वारंटी को किया गिरफ्तार। थानाधिकारी अमरनाथ ने दी जानकारी। महिला उत्पीड़न मामले में 10 वर्षों से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। मनोहर थाना परिसर में थानाधिकारी अमरनाथ की मौजूदगी में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। थानाधिकारी अमरनाथ ने बताया है कि आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए सीएलजी यादव सदस्य की बैठक ली गई है, जिसमें त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने पर चर्चा की गई। मनोहर थाना में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की बैठक। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शाखा अध्यक्ष चंद्र मोहन लोधा के सानिध्य में हुई बैठक। मुख्य अतिथि असिस्टेंट प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंधु एवं असिस्टेंट प्रोफेसर सोहन लाल रांगिरा रहे। बैठक में विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के संकलन की योजना बनाई गई। बकाने में भारतीय किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। किसानों की
ज्वलंत समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बारिश और ओलावृष्टि से धनिया और सरसों मसूर की फसलों के सर्वे करने की मांग की गई। बाड़मेर में करोड़ों रुपए की लागत से बने विराटेश्वर महादेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। प्रतिष्ठा कार्यक्रम 6 मार्च से 8 मार्च तक चलेगा। मंदिर में 75 लाख की लागत से बने पारदर्शी स्फटिक शिवलिंग की होगी स्थापना। झालावाड़ में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 5 मार्च से 8 मार्च तक विजय राजे सिंधिया राजकीय खेल संकुल में आयोजित होगा आरोग्य मेला। मेले में कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के सभी आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और कंपाउंडर होंगे शामिल। और चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के ओंकारेश्वर महादेव मंदिर में मूर्ति स्थापना महारुद्र यज्ञ और नानीबाई का मायरा कथा की 5 दिवसीय महोत्सव का शुभारंभ भव्य कलश और शोभायात्रा के साथ शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत राजनगर के फवारा चौक स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से भव्य कलश और शोभायात्रा के साथ हुई। सोनूपर की कूण पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 साल से वांछित चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी सुरेश डांगी निवासी मानपुरिया को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। राजसमंद के द्वारकाधीश मंदिर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया प्रभु श्रीनाथ जी का पाठोत्सव। प्रभु द्वारकाधीश का भी किया गया विशेष श्रृंगार। बड़ी संख्या में द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे श्रद्धालु। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील की खबरों का। बांसवाड़ा के गढ़ी में विधायक कैलाश मीणा ने शिया दाऊदी समाज अमूर खर्चा मदरेसा स्कूल कमेटी सहित छात्राओं ने मुलाकात की और प्रतापपुरा गढ़ी में मेट्रो टाउन बनाने की मांग की गई। साथ ही कई समस्याओं की भी जानकारी दी गई और प्रतापपुर गढ़ी की मेट्रो टाउन बनाने को लेकर मांग की गई। डूंगरपुर के चौरासे में अजमेर विद्युत निगम की ओर से राष्ट्रीय लाइनमैन दिवस मनाया गया। धम्बोला सब डिवीजन कार्यालय में सहायक की अभियंता हर्षद पंचाल के सानिध्य में सभी लाइनमैन का माल्यार्पण और उपर्णा से सम्मान किया गया। उत्कृष्ट कार्यों के लिए हरीश चंद्र डामोर का भी विशेष स्वागत किया गया। डूंगरपुर में महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पिछले 25 दिन से पीहर में रह रही थी महिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर। काफी मशक्कत के बाद शव को कुएं से बाहर निकाला गया। पुलिस अब उस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। डूंगरपुर के कॉलेज विद्यार्थियों की बकाया छात्रवृत्ति और विद्या संबल योजना में अनुबंध बढ़ाने की मांग। एसएफआई ने कलेक्ट्रेट पर धरना देकर प्रदर्शन किया। एसडीएम को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर 15 दिन में मांगे पूरी नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव निधाना में 2 पक्षों में विवाद हो गया। बच्चों को लेकर हुए मामूली विवाद को लेकर 2 भाइयों में हमला कर दिया गया। दोनों भाइयों को घायल अवस्था में बाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दोनों घायलों को गंभीर अवस्था में धौलपुर रेफर किया गया। धौलपुर के चंदन विला होटल के पास पत्थर से भरे ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस।